सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब और स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको क्या देने वाला हूँ ये तो आपको टाइटल और थंबनेल देखकर समझ में आ ही गया होगा। तो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सी शंटिंग एक्टिविटी। और ये जो शंटिंग एक्टिविटी है गाइस, वो होने वाली है मड़गांव कोच केयर यार्ड में। और आपको शंट करना है दोस्तों कोंकण कन्या एक्सप्रेस को। और ये जो एक्टिविटी है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। लेकिन डिस्क्रिप्शन में से ये लिंक मतलब एक्टिविटी को डाउनलोड करने से पहले दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरी एक्टिविटी समझ में आ सके। और ये देखो, ये आप देख सकते हो एरियल व्यू हमारे कोच केयर यार्ड का, बहुत ही बढ़िया व्यू है दोस्तों। और यहाँ पर अभी मैसेज भी आ चुका है, मतलब पहले आ चुका था। तो अभी ये मैसेज में गाइस क्या लिखा है कि हमको वेट करना है जब तक हम सफ़र एक्सप्रेस हम लोग को क्रॉस नहीं करती है, तब तक गाइस हम लोग को वेट करना है। और जब हम सफ़र एक्सप्रेस क्रॉस करेगी उसके बाद दोस्तों हम लोग को सिग्नल मिल जाएगा और फिर हम लोग ये शंटिंग मतलब शंटिंग को पूरा करेंगे। तो गाइस, ये हम सफ़र एक्सप्रेस यहाँ पर आप देख सकते हो, जामनगर तिरनल वैली हम सफ़र एक्सप्रेस जो कि अभी मड़गांव स्टेशन पर अराइव हो जाएगी। और जैसे गाइस ये ट्रेन पूरी अराइव हो जाएगी उसके बाद हम लोग हमारी शंटिंग करेंगे कोंकण कन्या एक्सप्रेस की। और ये जो कोंकण कन्या एक्सप्रेस है दोस्तों, वो अभी मुंबई से आई है मड़गांव में। तो अभी उसको आराम से कोच केयर यार्ड में हम लोग पार्क करेंगे रेस्ट करने के लिए। थोड़ा मेंटेनेंस वगैरह किया जाएगा ट्रेन का, हमारे कोंकण कन्या एक्सप्रेस का। और यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम सफ़र एक्सप्रेस एक लेवल क्रॉसिंग पार करते हुए। और ये है दोस्तों आज का हमारा WDS 6 लोकोमोटिव। और ये लोकोमोटिव का क्रेडिट जाता है दोस्तों प्रवीण टेक चैनल पर, मतलब उनके ही चैनल पे से मैंने ये रिपेंट डाउनलोड किया है दोस्तों शंटिंग का WDS 6 का। तो गाइस अभी फुल क्रेडिट हमारा जाता है प्रवीण टेक चैनल को। और ये जो मॉडल्स है दोस्तों, ये है मोहसिन पटेल सर को। तो स्पेशल थैंक्स टू मोहसिन पटेल सर जो इतने बढ़िया बढ़िया लैग फ्री एडॉन्स हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। और ये देख सकते हो WDP 4D के साथ जामनगर तिरनल वैली हम सफ़र एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म मड़गांव पर अराइव हो रही है। मड़गांव स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ये ट्रेन अराइव होगी, क्योंकि मड़गांव के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तो हमारी कोंकण कन्या एक्सप्रेस खड़ी है। तो 1 पर तो हमारी शंटिंग होगी और 2 पर जाएगी ये हम सफ़र एक्सप्रेस। और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर हम सफ़र एक्सप्रेस की स्पीड अभी स्लो डाउन हो चुकी है दोस्तों। शायद से मड़गांव स्टेशन भरा हुआ होगा, ट्रैफिक होगा, इसके वजह से आउटर पर यहाँ पर शायद से हम सफ़र एक्सप्रेस को रोका जाएगा। और ये है द गाइस इंटीरियर व्यू WDS 6 लोको का। और ये हम सफ़र एक्सप्रेस देख सकते हो एकदम स्पीड स्लो डाउन हो चुकी है। तो शायद से 2-3 मिनट के रुकने के बाद यहाँ पर से लाइन जैसे ही क्लियर हो जाएगी दोस्तों, तो मड़गांव पर हम सफ़र एक्सप्रेस को डाला जाएगा। और फिर हमारे जैसे मड़गांव पर मतलब ये ट्रेन चली जाएगी उसके बाद दोस्तों हम लोग हमारी आज की शंटिंग एक्टिविटी करेंगे। और ये बहुत ही बढ़िया गाइस है, ये कोच केयर यार्ड है। और ये दरअसल एक मतलब मॉडल टाइप रूट ही है, पूरा एक कहा का मतलब एंड टू एंड रूट नहीं है दोस्तों। सिर्फ ये वाली एक्टिविटी में आपको मड़गांव जंक्शन और हमारा कोच केयर यार्ड इतना ही देखने मिलेगा दोस्तों। सिर्फ मड़गांव रेलवे स्टेशन और कोच केयर यार्ड इतना ही मिलेगा दोस्तों आज आपको ये वाली एक्टिविटी में। और ये वाली एक्टिविटी में गाइस आपको मज़ा तो बहुत आने वाला है। और मैसेज पॉपअप का भी मैंने ये बार एकदम अच्छे से ध्यान रखा है कि वो वर्क हो रहे हैं कि नहीं एकदम अच्छे तरीके से। और मैं 2-3 लोगों को गाइस टेस्टिंग के लिए भी दिया था, उन्होंने भी बता दिया कि एकदम अच्छे तरीके से वर्क हो रहे हैं। तो गाइस मैसेज पॉपअप भी एकदम अच्छे से आएंगे और आपको भी बहुत मज़ा आएगा दोस्तों ये एक्टिविटी खेलने के लिए। तो ये एक्टिविटी को प्ले करना है तो गाइस जल्दी से डिस्क्रिप्शन में से जो लिंक है वहाँ पर से ये रूट को डाउनलोड करना और मस्त आप इंजॉय कर सकते हो गाइस एक्टिविटी शंटिंग की। और यहाँ पर आप देख सकते हो हम सफ़र एक्सप्रेस अब जा चुकी है, पूरा क्लियरेंस मिल चुका है हम सफ़र एक्सप्रेस को मड़गांव स्टेशन पर। और हमको देखते हैं कब तक आप क्लियरेंस मिलता है। और वो जो गाइस आप कपलिंग का जो सिंबल देख रहे हो वहाँ पर हमको जाना है दोस्तों, वहाँ पर हमारी हमारी कोंकण कन्या एक्सप्रेस वहाँ पर खड़ी है दोस्तों। तो वहाँ पर हमको जाना है कोंकण कन्या एक्सप्रेस को कपल करने के लिए। और ये देख सकते हो यार, एक शेड के अंदर 2-3 ब्लू कोच खड़े हैं LHB के। और ये रहा हमारा कोच केयर यार्ड। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट टूर दे देता हूँ हमारे कोच केयर यार्ड का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 प्लेटफॉर्म्स आपको दिखाई देंगे, डेपो टाइप प्लेटफॉर्म, और 3 ट्रैक्स आपको कोच केयर यार्ड में दिखाई देंगे दोस्तों। और एक पर हमारी WDS 6 लोको खड़ा है और दूसरी तरफ है गाइस हमारी हप्पा एक्सप्रेस, मड़गांव हप्पा
एक्सप्रेस जो कि शाम को शायद से चलती है 1-2 के करीब, दोपहर को शायद, दोपहर को या फिर शाम को गाइस ये ट्रेन का डिपर्चर टाइम है। अगर आप में से किसी को पता होगा गाइस मडगांव हप्पा का डिपर्चर टाइम मडगांव से, तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और ये है गाइस हमारे जनशताब्दी एक्सप्रेस का विस्टा डोम कोच, और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर एक ही कोच रिलैक्स कर रहा है। और ये है हमारी हप्पा एक्सप्रेस का ICF कोच, ICF कोचेस पूरा फुल ब्लू कोचेस है गाइस, कोई भी उत्कृष्ट कोच ऐड नहीं किया है। और ये है एक बढ़िया सा रोड जो कि जॉइन कर रहा है दोस्तों वहाँ की साइड को यहाँ की साइड से, और मस्त यहाँ पर दो वो क्या बोलते हैं इसको गाइस, रेल फाटक आपको देखने मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर दो। और ये साइड पर कुछ रेल फाटक नहीं है, देख सकते हो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर कोच के यार्ड पर हमारी ओखा नहीं हप्पा मडगांव एक्सप्रेस आराम कर रही है। और अभी हम लोग शंटिंग करने वाले हैं दोस्तों WDA 6 से कोकन कन्या एक्सप्रेस को, और ये है विस्टाडोम कोच। और गाइस वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, मैं आपको ये वाले वीडियो में हमारे कटरा रूट का भी थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि क्यों मैंने कटरा रूट को प्राइवेट कर रखा है, तो वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखना दोस्तों। तो अभी गाइस हमको सिग्नल मिल चुका है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमको गाइस येलो सिग्नल मिल चुका है। तो अभी हम लोग कुछ ही समय में यहाँ पर से डिपार्चर कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हॉर्न वगैरह सब मतलब ब्लो करेंगे, हॉर्न को प्रेस करेंगे। और फिर डिपार्चर हो चुका है हमारा WDA 6 लोकोमोटिव के साथ, और आज की हमारी ये वाली शंटिंग एक्टिविटी की शुरुआत अब हो चुकी है दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से। और वहाँ पर खेत वगैरह आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से खेत वगैरह सब ऐड किया है दोस्तों। और यहाँ पर LHB ब्लू के कुछ कोचेस शायद से जनशताब्दी या फिर मडगांव मांडवी एक्सप्रेस के भी लग हो सकते हैं यहाँ पर कोचेस। और गाइस ये है हमारा देसी जुगाड़ सस्ता कोच क्लीनर, एकदम टिपिकल मॉडल तो गाइस अवेलेबल नहीं था इसके लिए गाइस यहाँ पर ऐसे ही मतलब मॉडल डाल दिया है, ऐसे थोड़ा वॉशिंग एरिया जैसा लग रहा था तो सोचा चलो ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा देसी जुगाड़ सस्ता कोच क्लीनर वो भी ठीक ठाक लग रहा है दोस्तों। और ये हमारा WDA 6 शंटिंग करने जा रहा है दोस्तों अभी कोकन कन्या एक्सप्रेस का, और स्पीड लिमिट जो कि हमको 10 km/h के दिए दोस्तों, इसके लिए गाइस स्पीड लिमिट को भी हमको फॉलो करना है। और आप भी गाइस जब भी एक्टिविटी प्ले करोगे तो आप भी हमारे जो स्पीड लिमिट होती है गाइस उसको ज़रूर से फॉलो करना, तभी आपको थोड़ा और मज़ा आएगा एक्टिविटी प्ले करने में। और गाइस आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल जानकारी नहीं देने वाला हूँ कि आपको कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ कैसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि गाइस ये बहुत बार मैंने ये वीडियो मतलब बनाया है इंस्टॉलेशन और डाउनलोडिंग प्रोसेस का। अगर आप में से किसी ने इंस्टॉलेशन और डाउनलोडिंग प्रोसेस नहीं देखा होगा तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको मडगांव राजधानी की लिंक मिल जाएगी या फिर मडगांव जनशताब्दी की, तो वहाँ पर दोनों में भी गाइस मैंने एकदम डिटेल वीडियो कवर किया है आपको, साथ लोगों के लोकोमोटिव कोचेस के साथ साथ ऑब्जेक्ट सब का एकदम डिटेल वीडियो बनाया गया है इंस्टॉलेशन प्रोसेस का, तो आप वो वाला वीडियो रेफर कर सकते हो। और अभी गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो लोको यार्ड को हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ पर WDP 4D लोकोमोटिव आप देख सकते हो, और ये दोनों में से कौन सा तो भी एक लोकोमोटिव है गाइस जो कि मुंबई से मडगांव में हमारी कोकन कन्या एक्सप्रेस को पुल करके लेके आया है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से WDP 4D अभी यहाँ पर रिलैक्स कर रहे हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर ऐसा कोई फीचर नहीं है कि हम लोकोमोटिव का साउंड बंद कर सके, अगर वो वाला फीचर रहता तो गाइस बहुत ही बढ़िया आता था, मतलब ट्रेन सिमुलेटर में ऐसा स्टार्टअप या फिर उसका ऑप्शन रहना चाहिए था दोस्तों इंजन स्टार्टअप का, बहुत मज़ा आता था दोस्तों, एकदम फुल रियलिस्टिक वाली फीलिंग आती थी। लेकिन कोई नहीं दोस्तों, एंड्रॉयड के लिए भी इतना बढ़िया बढ़िया एडवांस और फिर इतना बढ़िया रूट सब आ रहे हैं वही बड़ी बात है। हमको मतलब MSTS का जिनके पास PC नहीं है उनको गाइस MSTS का थोड़ा मज़ा लेने का मौका मिल रहा है यहाँ पर ट्रेन सिमुलेटर के माध्यम से। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों ये रही हमारी कोकन कन्या एक्सप्रेस, और गाइस ये जो कोकन कन्या एक्सप्रेस है गाइस वो है ओवरनाइट ट्रेन, और ये गाइस रेक शेयरिंग करती है। तो आज का आपको यही क्वेश्चन है कि ये जो कोकन कन्या एक्सप्रेस है वो कौन से ट्रेन के साथ रेक शेयरिंग करती है, तो अगर आपको आंसर पता होगा तो गाइस कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर आपका आंसर लिख देना दोस्तों, कमेंट कर देना फिर मैं आप उसको देखूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो WDA 6 लोकोमोटिव अब आ चुका है प्लेटफॉर्म पर, और अभी कुछ ही समय में गाइस हम लोग यहाँ पर शंटिंग तो क्या बोल रहा हूँ यार कपलिंग करेंगे। और यहाँ पर एक और मैसेज आ चुका है दोस्तों
और यहाँ पर भी यही लगा है कि एकदम आराम से आप शंटिंग करना और एक फ्रेट ट्रेन अराइव होगी और फ्रेट ट्रेन एकदम कम्प्लीटली अराइव होने के बाद ही हमको यहाँ पर से डिपार्चर करना है। तो यही था मैसेज में। ओके, हम लोग रूल्स को फॉलो करेंगे दोस्तों। तो जैसे ही कपलिंग होएगा उसके बाद हम लोग एकदम फटाक से यहाँ पर से डिपार्चर नहीं करेंगे, हमको रुकना है। और जब भी वो फ्रेट ट्रेन कम्प्लीटली पूरी अराइव होगी, पूरी कम्प्लीट अराइव होगी, उसके बाद हम लोग यहाँ पर से डिपार्ट करेंगे कोच केयर यार्ड की तरफ। तो चलेगा गाइस, हम लोग रूल्स को फॉलो करेंगे और वेट करेंगे जब तक हमारी वो फ्रेट ट्रेन आती है। और ये सीन आप देख सकते हो दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया सीन लग रहा है कपलिंग का। WDS 6 लोकोमोटिव अभी कपल होने जा रहा है कोकण कन्या एक्सप्रेस को, और बहुत ही बढ़िया तरीके से गाइस यहाँ पर देख सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर कपलिंग हो रही है। और ये रुक गया है वापस से, और ये फाइनली दोस्तों हमारा कपलिंग कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ साथ गाइस हमको एक ट्रेन्स की तरफ से अवार्ड भी मिल चुका है 10 स्विचेस का। तो थैंक यू सो मच ट्रेन सिम्यूलेटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम सक्सेसफुली हमारी कपलिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो अभी गाइस हम लोग डायरेक्शन को चेंज करेंगे। तो ये देख सकते हो गाइस, अभी हम लोग ने डायरेक्शन को चेंज कर लिया है। तो अभी गाइस हमको वेट करना है हमारे फ्रेट ट्रेन का। तो देखते हैं कब तक आती है वो फ्रेट ट्रेन, और उसके बाद हम लोग करेंगे आज की जर्नी की शुरुआत। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमसफ़र एक्सप्रेस, जो कि जिसके लिए हमको रुकाया गया था कोच के रियार्ड में, और कोकण कन्या एक्सप्रेस में भी हमसफ़र एक्सप्रेस का EOG लगा है। और ये बहुत ही बढ़िया सीन। और यहाँ पर देख सकते हो आप WDM 3 कल्याण लोको शेड का रिलैक्स कर रहा है मड़गांव में। तो शायद इसकी भी ड्यूटी बहुत जल्द लगने वाली है, इसके लिए रिलैक्स कर रहा है। और ये देख सकते हो यार, ये क्या सीन है, बहुत ही बढ़िया सीन है गाइस। एक तरफ है LHB के रेड कोचेस और दूसरी तरफ है LHB के हमसफ़र एक्सप्रेस ब्लू वेरियंट, बहुत ही बढ़िया तरीके से गाइस यहाँ पर। सो गाइस, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार मैंने कटरा रूट को क्यों डिलीट किया। तो ज़रूर से ध्यान से सुना दोस्तों, और बाद में ये पूरा सुनने के बाद आप मुझे कमेंट करके बता देना कि कौन गलत था और कौन सही था। तो गाइस सीन कुछ ऐसा था कि कटरा रूट पर दो ग्रुप वर्क कर रहे थे, मतलब हमारे रूट पर नहीं, हमारा अलग था और वो जो दूसरे लोग थे उनका रूट पूरा अलग था। कुछ भी गाइस यहाँ पर पायरेसी वेरेसी कुछ भी सीन नहीं है, पायरेट का कुछ भी सीन नहीं है, दोनों का भी इंडिविजुअल ये था, इंडिविजुअल रूट था अलग अलग। तो जो फर्स्ट ग्रुप था वो था गाइस हमारा समेज भाई का और मेरा, हम लोग ने दोनों ने मिलकर गाइस कटरा रूट को मतलब फ्री वे रिलीज़ किया था। और जो दूसरा ग्रुप था गाइस, उनका नाम मैं नहीं बताऊँगा, नहीं तो वापस से कुछ कॉपीराइट इशू हो जाएगा, वो बोलेंगे भाई तू मेरा नाम कैसे लिया, ऐसा वैसा डिफेमेशन ऐसा वगैरह कुछ बहुत हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं उनका नाम नहीं बताऊँगा। तो वो लोग का था गाइस पे वे रूट और हमारा कटरा रूट था फ्री वे रूट। तो गाइस वो लोग ने मुझे अचानक से मतलब वीडियो को, हमारा जो डाउनलोडिंग प्रोसेस का वीडियो था वो गाइस हमारा पब्लिक होने के बाद उन लोग ने मुझे मैसेज किया कि बोला तू वीडियो डिलीट कर दे क्योंकि हम लोग भी कटरा रोड पर वर्क कर रहे हैं। तो गाइस ये मुझे पता नहीं ये कहाँ का लॉ है दोस्तों कि मतलब एक जन पे वे रूट बना रहा है तो दूसरा जन फ्री वे रूट नहीं बना सकता। और गाइस मुझे पता भी नहीं था कि ये लोग वर्क कर रहे हैं वो रूट पर, अगर उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया होता तो गाइस मैं पहले ही मतलब वो रूट पर वर्क स्टॉप कर देता था। मैंने गाइस 15 डेज़ पहले ही ये डाला था, कम्युनिटी में भी पोस्ट डाले थे और वीडियो भी अपलोड किया था गेम प्ले का। तभी गाइस ये लोग में से किसी ने भी मुझे कुछ नहीं कहा कि भाई हम लोग रूट बना रहे हैं तुम रूट मत बनाओ। अगर ये लोग ने मुझे तभी बता दिया होता तो गाइस मैं तभी वर्क को स्टॉप कर देता था कि चलो जाने दो, एक जन पे वे रूट बना रहा है तो जाने दो, हम लोग क्यों फ्री वेयर बना कि उसका मार्केट डाउन करे, उतना तो मुझे भी समझता है दोस्तों, तो मैं भी नहीं बना देता था। मैं गाइस 15 डेज से गेम प्ले डाल रहा हूँ, 2 गेम प्ले डाले मैंने, तभी इन लोग में से किसी ने कुछ भी नहीं बताया मुझे। जो जिनका ये रूट बनाया था उन्होंने खुद ने भी कमेंट करके नहीं बताया कि यार मैं ये रूट पर वर्क कर रहा हूँ तू मत बना करके। और अनफॉर्चुनेटली गाइस जैसे मैंने ये डाउनलोडिंग प्रोसेस का वीडियो डाल लिया और डाउनलोडिंग प्रोसेस के बाद अचानक से इनके ऊपर क्या हो गया क्या मालूम, इनका कौन सा संतुलन बिगड़ गया क्या मालूम दोस्तों। और अचानक से मुझे कहाँ पर से इन लोग ने नंबर लिया और फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया कि तू मतलब रूट मत बना अभी, मतलब डिलीट कर दे नहीं तो तेरा चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। तो गाइस मेरी भी थोड़ी फटी, मतलब बोला चैनल टर्मिनेट हो जाएगा मतलब क्या सीन है ये सब। तो फिर उनको पूरा मैसेज किया तो वो बोल रहे कि यार मैंने पेवेर रूट बनाया है तो तू डिलीट कर दे नहीं तो मैं तेरे चैनल पर फेक स्ट्राइक वगैरह डाल के तेरा चैनल को टर्मिनेट कर देगा, ऐसे वैसे बहुत बहुत कुछ, और गाली विली भी बहुत दिया गाइस उन्होंने।
और गाइस उन्होंने बाद में बोला कि मतलब तेरा चैनल को हम लोग डिलीट कर देंगे ऐसा वैसा। फिर मैं गाइस बोला चलो जाने दो, हम लोग को कोई कंट्रोवर्सी चाहिए नहीं, इसके लिए गाइस मैं बोला चलो जाने दो, एक का बना रहे बिहेवियर तो मानने दो, हम लोग डिलीट कर देते रूट को, उसका भी कुछ नहीं हमारा भी कुछ नहीं, क्योंकि ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी करके क्या करना है गाइस, हमको यहाँ पर यहीं पर तो रहना है। तो इसके लिए गाइस मैंने फिर वो कटरा रूट को भी डिलीट कर दिया और उसको मतलब डिलीट ही कर दिया है, पूरा ट्रेन से भी डिलीट कर दिया है मेरे कि भाई अभी वो चाहिए ही नहीं वो रूट। और वो रूट बंद होने के बाद गाइस मैंने अभी मतलब समेश भाई और मैंने कोस्ट लाइन का एक्सटेंशन शुरू किया है, और कोस्ट लाइन है गाइस वो अभी कुलम तलक एक्सटेंड होएगा और उसके बाद लोंडा जंक्शन तलक एक्सटेंड करने की हम लोग ट्राई करेंगे। और गाइस लेकिन आप कमेंट करके मुझे बता देना कि कौन गलत था और कौन सही था। अगर गाइस मुझे पहले ही पता होता कि यार ये जो है वो पेवे रूट बना रहा है तो फिर गाइस मैं ये रूट पे वर्क ही नहीं करता ना। और अगर चलो गाइस आप उस दिन कैसे आपको मतलब कॉन्टैक्ट वेंटेक्ट सब मिला, जैसे मैंने डाउनलोडिंग का प्रोसेस डाला तभी, अगर आपको ये था ऑब्जेक्शन था तो आप 15 डेज पहले जब मैंने फर्स्ट गेम प्ले डाला था कटरा रूट का, कटरा टू उधमपुर का, तभी आके बोलना चाहिए था ना कि भाई मैं ये रूट पर वर्क कर रहा हूँ तू मत डाल, तू वीडियो डिलीट कर ऐसे वैसे, तभी अगर बोलता था तो मेरी भी इतनी मेहनत वेस्ट नहीं होती और हमारे समेश भाई की भी इतनी मेहनत वेस्ट नहीं होती। समेश भाई ने तो गाइस बहुत हार्ड वर्क किया था वो रूट के लिए, इतना बढ़िया बढ़िया सीनरी अपडेट किया, इतना बढ़िया बढ़िया सीनरी ऐड किया था दोस्तों, लेकिन पूरा एक फेक लोगों के कारण दोस्तों पूरा वो रूट के मतलब मज़ा ही किरकिरा हो गया। ये रूट मतलब इतना बढ़िया रूट था लेकिन सब बिखर चुका है। लेकिन गाइस मुझे कोई कंट्रोवर्सी चाहिए नहीं थी, इसके लिए गाइस मैंने डिलीट कर दिया, नहीं तो मैं रख देता था वो रूट, मतलब इतना फेक स्ट्राइक तो कैसे डाल देंगे ना, मतलब यूट्यूब पे भी मतलब हमको काउंटर स्ट्राइक का ऑप्शन रहता है तो हम लोग काउंटर कर सकते हैं, लेकिन गाइस फेक स्ट्राइक का मतलब कुछ कंट्रोवर्सी चाहिए ही नहीं अपने को गाइस, इसके वजह से मैं बोला चलो जाने दो। लेकिन गाइस मैं ट्राई करूँगा, अगर आपको कटरा रूट चाहिए होगा तो आप कमेंट में बता देना, कमेंट करो सब लोग जितने भी गाइस आपको कटरा रूट चाहिए आप कमेंट करो, मैं 100% फिर वो वीडियो वापस से सब रिकॉर्ड करके आपके लिए लेके आऊँगा दोस्तों। और यही बातों बातों में गाइस हमारी फ्रेट ट्रेन भी आ चुकी है, लेकिन गाइस आप कमेंट करके बता देना दोस्तों गलती किसकी थी, गलती मेरी थी या फिर वो दूसरे लोग थे जो फेक स्ट्राइक वाले उनकी गलती थी, तो ये आप ज़रूर कमेंट करके बता देना। और चलिए गाइस अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारी शंटिंग एक्टिविटी को। और यार बातों बातों में गाइस मैं आपको पासवर्ड बताना भी भूल गया, तो गाइस जो हमारी एक्टिविटी है उसका पासवर्ड है वो है गाइस ये हमारे कोकण कन्या एक्सप्रेस का ट्रेन का नंबर, और एक्टिविटी का पासवर्ड है दोस्तों ध्यान से सुनना 10111। तो ये है दोस्तों हमारे कोकण कन्या एक्सप्रेस की एक्टिविटी का पासवर्ड 10111, ये है गाइस पासवर्ड, तो लिख लेना दोस्तों का। ये यहाँ पर अभी हमने हमारी मतलब इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं दिखाया, इसके वजह से गाइस थोड़ा आपको प्रॉब्लम आया होगा, लेकिन गाइस आप वेयर इज मेट्रेन या फिर एम इंडिकेटर पर भी सर्च करोगे कोकण कन्या का तो वहाँ पर आपको नंबर दिखाई दे देगा, तो वही पेस्ट कर सकते हो आप, नहीं तो ईजी है गाइस, इतना भी कुछ हार्ड नहीं है हमारा पासवर्ड 10111 ही है सिर्फ कोकण कन्या एक्सप्रेस। और यहाँ पर से अभी हम लोग कोच के यार्ड में ट्रेन को लेके जाएंगे और वहाँ पर पार्क करेंगे हमारी ट्रेन को, और ये देख सकते हो यार बहुत ही बढ़िया। और गाइस ये एक्टिविटी प्ले करने के बाद आपका बहुत ही बढ़िया सा एक फीडबैक दे देना दोस्तों कमेंट में कि आपको ये एक्टिविटी कैसी लगी। और गाइस जो हमारा कोस्ट लाइन का जो अपडेट आने वाला है उसके ऊपर भी बहुत जल्द गेम प्ले आ जाएगा, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना दोस्तों और सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों, आपके सपोर्ट के कारण ही मैं मतलब अभी वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं तो सोच रहा था दोस्तों कि ट्रेन्स को लीव कर देता हूँ, इतना कॉन्ट्रोवर्सीज होता है यार ऐसे एक ही रूट पे दो दो जन वर्क कर रहा होगा तो इतना सब सीन होता है, ऐसा अगर मुझे पहले मालूम होता तो गाइस मैं ये ट्रेन्स में आता ही नहीं, लेकिन बोला चलो जाने तो कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चाहिए अपने को, इसके लिए गाइस मैंने रूट को भी वो प्राइवेट कर दिया है हमारे कटरा रूट को। और अभी दूसरा वर्क मैंने स्टार्ट किया है मैं और समेश भाई ने, हम लोग दोनों ने मिलके कोस्ट लाइन का, कोस्ट लाइन ऑफ गोवा उसका अपडेट आएंगे गाइस बहुत जल्द ही अपडेट आएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारी कोकण कन्या एक्सप्रेस यहाँ पर से एकदम कोच क्लीनर से अच्छे से धुलने के बाद कोच के रियार्ड पर आएगी, और ये रहा WDS-6 लोकोमोटिव अराइव हो रहा है यहाँ पर कोच के रियार्ड में बहुत ही बढ़िया तरीके से, यहाँ पर देख सकते हो आप अराइवल। और गाइस ये वाले रूट मतलब एकदम शॉर्ट रूट है, लेकिन गाइस सीनरी आपको इतना बढ़िया बढ़िया सीनरी देखने मिलने वाला है ना गाइस कि क्या बताऊँ मैं, बहुत ही बढ़िया सीनरी आपको देखने मिलने वाला है गाइस, बस मतलब इतने से छोटे से रूट में आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सीनरीज देखने मिलेंगे। और ये देख सकते हो आप अभी यहाँ पर गाइस ये ट्रेन की पूरी साफ़ सफाई हो जाएगी, एकदम अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया जाएगा यहाँ पर कोच के रियार्ड में,
और फिर गाइस कल सुबह मांडवी एक्सप्रेस यहाँ पर, मतलब ये ट्रेन को मांडवी एक्सप्रेस से डिपार्ट किया जाएगा मड़गांव मुंबई के लिए। और यहाँ पर देख सकते हो गाइस थोड़ा हाई ग्राफिक होने के कारण हमारी जो यहाँ पर हप्पा एक्सप्रेस थी वो अभी गायब हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से हप्पा एक्सप्रेस अभी सीधा हप्पा पहुँच चुकी है लगता है मड़गांव से डायरेक्ट। हाँ ये देख सकते हो अभी आ चुकी है हमारी हप्पा एक्सप्रेस। और ये सीन देख सकते हो यार, बहुत ही बढ़िया सीन है, बहुत ही औसम सीन। और ये जो मॉडल टाइप रूट है दोस्तों, इसको भी बनाया है हमारे सब्सक्राइबर समेज भाई ने। तो गाइस समेज भाई ने तो मेरी बहुत, मतलब बहुत हेल्प की है गाइस। कोस्ट लाइन ऑफ गोवा रूट भी उन्हीं का था गाइस। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया रूट बनाते हैं हमारे समेज भाई। और ये देख सकते हो ये एक्टिविटी गाइस मैंने बनाई है, और ये जो रूट है वो है समेज भाई का, कोच केयर यार्ड और मड़गांव स्टेशन। और ये देख सकते हो अभी गाइस हम लोग आ चुके हैं, मतलब हमारी 90% जर्नी कंप्लीट हो चुके है। तो यहाँ पर अभी हम लोग ट्रेन को एकदम अच्छे तरीके से सक्सेसफुली पार्क करेंगे और फिर आज का ये वाली वीडियो को एंड करेंगे। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली हम लोग आ चुके हैं कोच केयर यार्ड के एंड में, और यहाँ पर अभी मैसेज आ चुका है हमको। तो ये गाइस वही है सब ग्रेटिट्यूड की, थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग आवर एक्टिविटी। और अगर आपको ये वाली एक्टिविटी अच्छी लगी हो तो गाइस आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और आपके दोस्तों में ज़रूर से शेयर करना दोस्तों ये वाला वीडियो और ये वाली एक्टिविटी। और ये यहाँ पर अभी आराम से हम लोग ट्रेन को रोकेंगे। और गाइस हमारी ये कोकण कन्या एक्सप्रेस की एक्टिविटी आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और जो कटरा रूट के बारे में मैंने बताया आपको, वो भी आप कमेंट करके बता देना कि कौन गलत था और कौन सही था। और ये है गाइस आज का हमारा फाइनल नज़ारा ये वाले गेम प्ले का। सो गाइस आई होप कि आपको आज का ये वाला गेम प्ले अच्छा लगा होगा, ये वाली हमारी एक्टिविटी अच्छी लगी होगी। अगर गाइस आपको ये वाली एक्टिविटी अच्छी लगी होगी तो आपको पता है क्या करना है यार, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसे एक और एक नए वीडियो के साथ, तो टेक केयर, बाय, और इन्जॉय करना दोस्तों एक्टिविटी, और प्ले करने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर देना।